जिस प्रकार ये सोल्व करना होता है उस प्रकार नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए चलिए पूरा सजावट एकदम डिजाइन के साथ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फिगर की जरूरत होगी, तो एक फिगर बना लेंगे। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का बाहरी भाग जो होता है ना, वो कलई किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। इस अवतल दर्पण को हम एक नाम देते हैं, इस अवतल दर्पण को हम एक नाम दे दिए। इसमें हमें एक मुख अक्ष की जरूरत पड़ेगी, तो मुख अक्ष बनाते हैं। मुख अक्ष कहाँ होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा मुख अक्ष हो गया, ये दर्पण के ध्रुव पी हो गया। अब देखिए इसमें एक फोकस होता है, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच होता है फोकस बिंदु। ये हमारा हो गया फोकस बिंदु, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। आपको वीडियो में अनंत तक बने रहना है। अगर नहीं बने रहिएगा तो फिर बाद में आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आपको हम एक अच्छे से बता रहे हैं, आप इसे पूरे विज्ञान से समझते जाइए। तो देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। अब हमें एक वस्तु की जरूरत होगी। तो वस्तु हम कहाँ रखना है हमको? तो वस्तु रखना है दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, इधर अनंत है, तो इसको हम बीच में एक वस्तु ये रख देते हैं कि वस्तु हो गया ये। चलिए इसका भी एक नाम दे देते हैं। तो इसका नाम हम दे देते हैं ए पी। ये हमारा एक वस्तु हो गया जो कहाँ स्थित है? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव अनंत के बीच स्थित है। ये वक्रता केंद्र हो गया, इधर अनंत है, तो अनंत इतना कितना भी बड़ा पाइप आ रही है अनंत के बीच हो गया। अब देखिए अब इधर से आ रही प्रकाश किरण, इधर से हम टच भरें चाहे कैसे भी प्रकाश आ रही है, ये एक वस्तु है। अब इधर से गई इसका, यहाँ इधर से तो जाएगी नहीं, तो इधर से गई प्रकाश। अब जैसे ही गई इस एकदम ये ध्रुव के क्या मुख अक्ष के ये क्या करेगी? समानांतर जाएगी। ये मुख अक्ष के समानांतर एकदम रेल के पटरी जस मुख अक्ष के क्या जाएगी? समानांतर। तो ये समानांतर चली गई और दर्पण पर जैसे ही ये पड़ी, ये दर्पण इसको परावर्तित कर दिया। तो परावर्तित किया तो ये क्या हो गया? ये फोकस बिंदु से होकर दूसरी साइड मुड़ गई, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। ये किरण जब अनंत से आई और दर्पण के डी बिंदु पर टकराई, इसको हम नाम दे देते हैं डी बिंदु पर टकराई और टकरा कर दूसरी ओर मुड़ के फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। अब एक किरण इधर से भी आती है, तो इधर से आई, ये वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरी और जाके दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर टकरा रही है। कौन कोण से? 90 डिग्री के कोण पर टकरा रही है। तो 90 डिग्री से इधर से आई और फिर इधर मुड़ गई 90 डिग्री के कोण पर। तो इसका कहीं परावर्तित परावर्तित हुआ, लेकिन उसी रेखा पर परावर्तित हुआ। ये दोनों किरण के कटान बिंदु कहाँ हैं? तो कटान बिंदु सी और एफ, यानी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो इसका प्रतिबिंब यहीं बनता है। देखिए ये इसका प्रतिबिंब हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। हमने इसका नाम भी दे दिया। हमने एक वस्तु रखा, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया जो फिगर में है, आप समझ गए हैं। अब चलिए इसको हम लिखते हैं, हमें कुछ लिखने के बारे आता है। तो लिखना क्या है? तो लिखना वही है जो हम इसमें किए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है एम एन, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो एम एन जो भी खेल हुआ ये अवतल दर्पण से हुआ, तो पहले अवतल दर्पण का नाम लिखेंगे। एम एन एक अवतल दर्पण है जिसके जिसके मतलब कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर एक वस्तु ए बी जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। यहाँ वस्तु रखे हैं तो इसको हम लिख दिए। अब क्या करेंगे? अनंत से प्रकाश आ रही है तो लिखेंगे अनंत से आ रही प्रकाश किरण, किरण के नाम दे देते हैं ए डी, ए डी जो मुख अक्ष के समानांतर दर्पण के डी बिंदु पर और फोकस बिंदु एफ से होकर गुजर जाती हैं। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, जो किए हैं वहीं लिखना है। हमने ये किरण के लिख दिए कि जो डी बिंदु पर टकराई और फोकस से होकर गुजर गई, और एक किरण है जो वक्रता केंद्र से होते हुए लंबवत टकरा रही है अवतल दर्पण से। तो ये भी लिख देते हैं, एक किरण दर्पण के वक्रता केंद्र केंद्र से होकर लंबवत दर्पण से टकरा रही हैं और पुनः वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती हैं। अब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना जो सी यानी वक्रता केंद्र और एफ फोकस बिंदु के बीच स्थित हैं। तो हमें सिद्ध करना है 1/f
इज इक्वल टू 1/v जोड़ 1/u, ये सिद्ध करना है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं? इसके लिए हमें एक प्रमाण की जरूरत होती है। तो देखिए फिगर के अनुसार आपको हम चलना है प्रमाण में। ये तो फिगर समझ में आया। तो देखिए सिगई यहाँ से टकराई थे, यहाँ प्रतिबिंब बना। देखिए ये प्रतिबिंब और वस्तु के बीच कितनी त्रिभुज बन रही है, तो प्रतिबिंब ये हो गया, वस्तु ये हो गया, तो इसको बीच कितने 2 त्रिभुज बन रही है। देखिए एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो चलिए हम इसको यहाँ बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए कैसे त्रिभुज बन रहा है, ऐसे है, फिर एक ऐसे है, इस तरह से है, यहाँ से गई इस तरह से। देखिए इस तरह से है ना, ये वाला, ये वाला नाम देते हैं ए बी, ये वाला ए बी, ये वाला त्रिभुज हो गया। अब देखिए ये ए डैश बी डैश, ये वाला हो गया ए डैश बी डैश, बीच वाला बिंदु के नाम है सी। अब इसको हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। सबसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। सबसे पहले ये कोण देखिए, ये कोण, ये कोण क्या है, ये क्रॉस मल्ट क्रॉस है कोण, क्रॉस कोण को क्या करें, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों बराबर होगा कोण ए सी बी बड़े वाले के लिए, बराबर छोटे वाले के लिए कोण ए डैश सी बी डैश। कौन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए इसमें एक और कोण हमें बराबर करना होगा, समरूप सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 कोण बराबर करना है। तो एक कोण और बराबर करेंगे तो एक कोण कौन हो जाएगा, देखिए ये लंबवत है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी लंबवत है तो इस पे क्या होगा 90 डिग्री का। तो कोण ए बी सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश। जो कोण लिखना होता है उसको बीच में लिख देते हैं। तो देखिए इस कोण का नाम लिखना है तो हम इसको बीच में कर दिए, इस कोण का नाम लिखना है तो इसको बी को बीच में कर दिए। ये क्या है तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देते हैं, या समकोण भी लिख सकते हैं, या समकोण कोई भी लिख सकते हैं आप। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को स्क्रिप्ट करिएगा, नहीं समझ में आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, जब 2 त्रिभुज के कोण बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। तो अब इसको लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप, चिन्ह होता है इस तरह, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब इसके समरूप होने का शर्त क्या है, तो ये शर्त कौन कौन से हैं, तो ये दोनों कोण हैं, तो एंगल 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 लिख दे सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता से। अब इसका हम भुजा समानुपाती करेंगे, तो भुजा कौन कौन है, ये लंब वाला ले लेंगे गो, तो लंब वाला ले लेते हैं ए बी, बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब हो गया ए बी, और छोटे वाले का हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश छोटे वाले का हो गया बराबर। इसके बराबर कौन होगा, बड़े वाले के लिए बी सी हो गया आधार, तो बी सी आधार हो गया, छोटे वाले के ए डैश सी, तो ए डैश सी हमारा हो गया। इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं, तो हम बता दें। अब दूसरा त्रिभुज, इसमें दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है, तो देखिए एक ये वाला ए डैश बी डैश एफ, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक एफ डी पी, एक ये त्रिभुज बन रहा है। लिखते हैं इसको, हम बाहर पहले निकालते हैं, त्रिभुज डी पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। इसको भी सेम जैसे पहले वाले त्रिभुज को समरूप किए उसी तरह इसको भी समरूप करेंगे। तो देखिए इसमें भी 2 कोण बन रहा है ये, तो इसको लिखते हैं कोण डी एफ पी बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश। कौन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और नेक्स्ट हमारा है कौन, ये देखिए लंबवत है, ये इसको लंब ही मानेंगे, तो ये लंब है, यहाँ लंब ही है। तो चलिए कोण डी पी एफ इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री, या समकोण। त्रिभुज डी पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, कौन समरूपता से, तो एंगल एंगल समरूपता से। अब इसमें क्या है, इसका भुजा समानुपाती करेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के डी पी पी लंब हो गया, अब बाटा में ए डैश बी डैश बराबर। इसका आधार हो जाएगा पी एफ, इसका आधार कौन हो जाएगा ए डैश एफ। डी पी और ए बी दोनों क्या है, समानांतर हैं, ये वाला ए बी और डी एफ दोनों बराबर होगा। ए बी चूँकि ए बी बराबर डी पी, समानांतर रेखा के लंब, डी पी की जगह पर हम ए बी लिख देते हैं, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बाटा ए डैश एफ।
इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं, फर्स्ट बता दिए ये सेकेंड हो गया। समीकरण एक और दो को मिलाते हैं। समीकरण एक का LHS ये वाला पार्ट, समीकरण दो का LHS, ये दोनों बराबर हैं तो इसका RHS भी बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण एक तथा दो से, तो दोनों के बराबर है ये LHS, तो BC बटा A डैश, इसका RHS क्या है PF बटा में A डैश F करण तीन। BC को ध्रुव से नापना है तो ध्रुव से कैसे लिखेंगे BC को, तो PB ध्रुव से है तो पहले PB लिख दिए। अब PB यहाँ से यहाँ तक है तो PB में ले, अगर हम PC घटा देते हैं तो हमारा BC आ जाएगा, ध्रुव से ये भी हो जाएगा, ध्रुव से ये भी हो जाएगा, तो इसमें ले घटा दिए हम PC हो गया। अब बाटा में A डैश सी ये दूरी हमको लिखना है, तो ये ध्रुव से नहीं है तो इसको भी ध्रुव से लिखेंगे, तो PC में से अगर हम घटा देंगे PA डैश घटा देंगे तो हमारा A डैश सी आ जाएगा। अब बराबर PF ये ऑलरेडी ध्रुव से हैं तो इसको ज्यों के त्यों रख देंगे, दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं इसलिए ध्रुव से नापते हैं। बट्टा A डैश एफ ये ध्रुव से नहीं है तो इसको ध्रुव से करेंगे PA डैश मेले अगर हम घटा दिए PF कर दिए तो हमारा जगह A डैश एफ, इसमें घटा देंगे इतना दूरी तो ये ला जाएगा, ध्रुव से हो गए सब। अब देखिए यहाँ अब चिन्ह प्रॉपर्टी, इस पर अब चिन्ह प्रॉपर्टी लागू करेंगे, तो देखिए ये ध्रुव है, यहाँ से यहाँ के दूरी को क्या कहते हैं फोकस बिंदु F कहते हैं, F लिख दिए। अब देखिए ये हमारा क्या है प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से यहाँ के दूरी को कहेंगे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित कर दें तो ये हमारा प्रतिबिंब दूरी भी हो गया। अब देखिए यहाँ ये वस्तु है तो यहाँ से ध्रुव P तक की दूरी को क्या कहेंगे U, वस्तु दूरी हो गया। ये वक्रता केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या यानी R कहते हैं, R से सूचित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। तो चलिए अब इसको सेट करते हैं तो ये लिख लेते हैं PB क्या है PB वस्तु दूरी है तो PB बराबर U हो गया वस्तु दूरी। अब देखिए PB हो गया PC क्या है वक्रता त्रिज्या, आर इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब क्या है PC हो गया PF क्या है फोकस दूरी। अब इसमें क्या है PA डैश का वक ये है प्रतिबिंब दूरी तो भी सूचित करते हैं प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए क्या करना है अब इस पर लागू करते हैं तो अब देखिए यहाँ सभी चीज दर्पण के पीछे कोई नहीं है सभी दर्पण के आगे हैं तो आगे होता है तो सब माइनस होगा। तो देखिए ये माइनस हो गया वस्तु दूरी हमेशा माइनस में रहता है फोकस दूरी भी माइनस में हो गया प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में हो गया। अब इसको इस पर सेट करते हैं चलिए इसका मान इस पर पुट करते हैं PB हमारा क्या है PB हमारा वस्तु दूरी है तो PB की जगह पर माइनस U लिख देते हैं माइनस है। PC क्या है R है हम R लिख दिए PC R है कटाओ PA डैश वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस में तो माइनस भी लिख दिए इक्वल टू PF हमारा फोकस दूरी है तो माइनस F हो गया PA डैश प्रतिबिंब दूरी माइनस भी फोकस PF तो माइनस F यहाँ चूंकि R बराबर 2F होता है तो हम R की जगह पर 2F लिख सकते हैं तो चलिए लिखिए माइनस इस फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है दर्पण के आगे है इसलिए तो इस -2f लिख दिए बटा में -2f घटाओ। अब देखिए ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस भी हो गया जोड़ -f -v ये माइनस प्लस f हो गया। अब यहाँ भी कर देते हैं ऐसे ही माइनस प्लस 2f बटा में -2f जोड़ v -f
बाटा में माइनस बी जोड़ एफ। अब इसको गुना करते हैं, देखिए एक बार इसमें करें, यू में अभी से किए तो यू भी, अब देखिए ये माइनस दोनों मिला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के चिन्ह छिप गया। अब एक बार इससे करेंगे तो माइनस भी में और टू एफ में करेंगे तो टू एफ भी हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है। अब एक बार इससे करेंगे तो इसमें इससे किए तो एफ में यू से किए तो माइनस यू एफ। अब इसमें करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर हो गया। अब जोड़, अब इसमें इससे करेंगे एक बार इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के चिन्ह छिप गया। एफ से एफ से किए तो एफ स्क्वायर तो टू एफ स्क्वायर हो गया। अब इसमें इससे करेंगे तो भी से एफ में करेंगे तो भी एफ, अब प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए ये भी जोड़ में है टू एफ स्क्वायर, ये भी जोड़ में है टू एफ, तो दूसरी साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा कट के, तो इसलिए इसको डायरेक्टली कटा दिए हम। अब यही चीज़ हम सेम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो चलिए देखिए यहाँ हमारा बच गया यू भी माइनस टू एफ वी माइनस यू एफ बराबर बच गया इधर माइनस भी एफ। अब हम यू भी ज्यों के त्यों लिख दिए माइनस टू एफ वी माइनस यू एफ, अब ये इधर है तो दूसरी साइड लेंगे तो प्लस भी एफ हो जाएगा बराबर जीरो। अब देखिए ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो ये टू भी एफ है, ये वन भी एफ है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाना है हमें, तो टू भी एफ में ले वन भी एफ घटेगा तो बच जाएगा क्या यू भी बराबर माइनस यू भी एफ छूटा वन भी एफ बच जाएगा। इसको हम यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, भी एफ है बस भी एफ है, इसमें भी घटाओ यू एफ बराबर जीरो। अब इसमें सभी में भाग देंगे, सभी में यू भी एफ से भाग देने पर भाग देते हैं यू भी बराबर यू भी एफ घटाओ भी एफ बराबर यू भी एफ घटाओ यू एफ बराबर यू भी एफ बराबर जीरो। अब इसको हम कटाते हैं, एफ से एफ गया, यू से यू गया, यू भी से भी एफ से भी एफ गया, यू भी से यू भी गया, तो इधर बचा क्या वन बटा एफ घटाओ वन बटा यू घटाओ वन बटा भी बराबर जीरो। अब देखिए या अब इसको हम दूसरी साइड कर देते हैं, वन बटा एफ वन बाई एफ जेम कहते हैं छोड़ देते हैं अब बराबर, ये क्या है जोड़ में घटाव में, तो दूसरी साइड जाएगा तो जोड़ में, तो जोड़ का चिन्ह छिप गया, ये घटाव में तो दूसरी साइड जाएगा तो जोड़ में, तो वन बटा यू, तो सीध क्या करना था हमें वन बटा एफ बराबर वन बटा भी जोड़ वन बटा यू, यही ना सीध करना था, तो हमारा हो गया प्रूफ। अगर इस प्रकार आप क्लासरूम में एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाते हैं तो आपको फाइव नंबर पाँच मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पाँच मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, दस मिनट का वीडियो है, आप इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त करिए अपने क्लासरूम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।